अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम बैंक और मुफर्रद सूद इस सबक के अंदर मिसालें हल करने का तरीका यानी असल ज़र दिया जाए तो सूद मालूम करने का तरीका सीखेंगे। जैसा कि तख्ते सिया पर आपके सामने एक मिसाल लिखी हुई है कि दानिश ने 7% की साल की शरह से बैंक में 15,000 रुपये एक साल के लिए अमानत के तौर पर रखे तो उसको साल के आखिर में कितना सूद मिलेगा। हमें सवाल में असल ज़र 15,000 रुपये दिया गया है, मुद्दत एक साल की दी गई है, शरह 7% फ़ी साल है यानी 100 रुपये पर 7 रुपये, और 15,000 रुपये पर कितना सूद मिलेगा ये पता करना है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि 15,000 रुपये पर एक साल का सूद एक्स रुपये है। सूद और असल ज़र की निस्बत लेंगे और अब हम मसावात बनाएंगे। जिस तरह से हमने देखे कि 100 रुपये के ऊपर 7 रुपये सूद मिलने वाला है, इसी तरह 15,000 रुपये के ऊपर हमें एक्स रुपये सूद मिलने वाला है। अब यहाँ नसब नुमा में 15,000 है, इसलिए हम क्या करेंगे कि तरफेंट को 15,000 से ज़र्ब करेंगे। तरफेंट को ज़र्ब करेंगे यानी दोनों तरफ 15,000 से हमें ज़र्ब करनी होगी। एक साइड हमने किया उसी तरह ये दूसरी साइड भी हम उतनी ही यानी 15,000 से ज़र्ब करेंगे। अब यहाँ नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों में 15,000 है यानी 15,000 को 15,000 से तकसीम करने पर हम जानते हैं कि जवाब एक आता है और एक्स ज़र्ब एक का मतलब होता है एक्स। अब इधर हम देखेंगे, इधर 15,000 और नसब नुमा में है 100, यानी 15,000 को हमने सबसे पहले 100 से तकसीम कर दी, 100 एका 100, यहाँ पर हमारे पास 50 बच जाएंगे। एक सिफर उतारने पर 100 को 5 से ज़र्ब करने पर जवाब 500 मिल जाएगा, यानी यहाँ पर ये सिफर हो जाएगा, बचा एक सिफर, इसको ऊपर लगा देंगे यानी हमारे पास जवाब आ जाएगा 150, और यहाँ पर 7 पहले से मौजूद है यानी 7 ज़र्ब 150। अब ये हो गई एक्स की कीमत। अगर हम 150 को 7 से ज़र्ब देंगे तो जो भी जवाब आएगा वो कीमत रहेगी एक्स की। देते हैं उसको ज़र्ब 150 को 7 से ज़र्ब, 7 सिफर 0 7 5 35 के 5 हासिल आए 3, 7 एका 7 7 3 10, यानी हमारे पास जवाब आया 1050। ये जवाब आया हमारे एक्स का, यानी इसका मतलब है हमने एक्स को क्या फर्ज किया था, तो एक्स हमने फर्ज किया था कि 15,000 रुपये के ऊपर एक साल का सूद, यानी एक साल का सूद हमारा कितना आया 1050, यानी दानिश को एक साल के बाद 15,000 रुपये के ऊपर बैंक की तरफ से 1050 रुपये सूद दिया है।